हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। आज की बहुत ही पावरफुल टेस्टिमनी है, बहुत ही पावरफुल गवाही है। लड़की ने लड़के के साथ व्यभिचार किया और लड़के ने लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू किया और आगे की आवाज़ सुनकर होश उड़ जाएंगे। इस गवाही को अपने मसीह भाई बहनों के पास शेयर जरूर कर देना, क्या पता किसी का जीवन बदल जाए। गवाही को पूरा सुने और लास्ट तक सुने, आपका जीवन बदल जाएगा। बोली गवाही बता रही मैं। शुरू शुरू में एकदम जो थी पहले मैं, अच्छा पहले जब मैं 15 साल की थी तब से मैंने पाप करना स्टार्ट किया था। ये तो पाप के मतलब मैं भी जानती नहीं थी कि व्यभिचार क्या होता है, चोरी क्या होता है, हत्या क्या होता है, ये सब वचन मुझ पर लागू पड़ता है। अच्छा, जब मैं शुरू शुरू में थी मतलब पहले कॉल गई थी एक तरफ से। अच्छा अच्छा, जितने चाहे उतने लड़के के साथ व्यभिचार से, चलो जितना दिल करता था उतना खुल खुल के करती थी मैं। अच्छा। मेरे घर वाले बोलते थे ये कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है, इसको मोबाइल कहाँ कहाँ से ला के देता है कोई। मतलब मैं हर बात पे सेकंड सेकंड वाला मोबाइल खरीद लेती थी। कम से कम मैंने 400-500 मैंने खुद मोबाइल खरीदा है। मोबाइल सेकंड सेकंड वाले बहुत खरीद खरीद के सब लड़कों से बहुत बात करती थी। मेरा भाई इतना थक गया था मार मार के, एक मारे से तो फेंक भी दिया था उसने। एक हिसाब से इतना दिमाग नहीं था, ये भी नहीं जानती कि पाप कर रही हूँ कि क्या कर रही हूँ। ये थे इसके बाद मेरी एक मिलन से मुलाकात हुई। मिलन से ये लड़का था, इससे धीरे धीरे मुझे प्यार हुआ, धीरे धीरे करके। मैं जानती नहीं थी प्यार का मतलब क्या। अच्छा अच्छा, धीरे 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 बहुत प्यार हुआ। एक बार तंत्रिक के पास लेके गया था जहाँ पे जादू टोना होता है, सब होता था। अच्छा, मेरे अच्छा। वो उसने खाने में कुछ मिलाया था, बोलता इसको खा ले। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, प्यार करता तो खिला रहा है। आप ये भी नहीं जानते थे कि जादू टोना क्या होता। अच्छा, सिर्फ जानती थी चलो हाँ मिला है, इतना सुंदर लड़का मिला। मैंने सोचा इसको कैसे अपने हाथ से जाने दूं। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि इसकी उम्र बहुत थी, मैं 15 साल की थी। अच्छा। उसके साथ मेरा 5 साल तक रिलेशनशिप चला। 2 साल पूरा होटल में बिताई थी मैंने। अपने खुद के घर से मैंने, ये जो मेरा बड़ा भाई नहीं है, अच्छा अच्छा उनके जेब से बहुत पैसे चोरी करती थी मैं। अच्छा अच्छा लगभग करती थी 20-30-40-50, जितना दिल करता था उतना निकाल लेती थी। मेरा भाई रोता था, घूट घूट के रोता था बड़ा वाला, लेकिन मेरे अंदर दया नहीं था उसके लिए। मैं यही बोलती थी मरे जी मेरे से क्या लेना देना, वो मरेगा मेरा क्या लेके जाएगा। अच्छा। मेरे अंदर दया नहीं था, उसने मेरे को कुछ, मेरे दिमाग को उसने खुद के कंट्रोल निकल दिया था। अच्छा, जब वो ये नहीं पता था, वो बियर भी पीता था, दारू भी पीता था, ड्रग्स भी करता था, सेक्स भी करती थी मैं। मैंने 2 या 3 बार ड्रग्स की मैंने खुद किया है। अच्छा अच्छा, जब मैं ड्रग्स लेने के लिए जाती भी थी तो 3-4-5-6 हज़ार का नहीं, डायरेक्ट 50-1 लाख का लेती थी। अच्छा अच्छा, ड्रग्स के ऊपर कम से कम मैंने 10 या 15 लाख रुपया खर्चा किया। ये चोरी करना मुझे भी नहीं पता था, इस लड़के ने मुझे सिखा था चोरी कैसे करने का। डुप्लीकेट चाबी बनाती थी, चाबी बनवा बनवा के खूब रखती थी मैं, चाहे मेरी जानी चली जाए। इतना मार खाती थी, उसने मुझे ऐसा सिखाया था कि तू ऐसा कर वैसा कर। जब ये लेके कहीं जाता था तो एक बार दो बार तांत्रिक के पास भी उसने लेके गया है। अच्छा अच्छा, ये लड़की मेरे कब्जे में रहा। मैं भी मतलब पहले मूर्ति पूजा करती थी ना, मैं सीधा अपना माथा ठेक ठेक के फोड़ लेती थी आधा माथा भी कि मुझे पैसे दो, कहीं से भी दो, फट करके दो। अच्छा, और दूसरे दिन मेरे पास सांस कितना आता था, ये भी छोटे छोटे नहीं बहुत बड़े बड़े रकम आते थे। अच्छा अच्छा, ये जो कहते ना एक चोरों को पैसे की स्मेल की खबर रहती है, चाहे वो कपड़े में रखे उसकी स्मेल आ जाए तो पहचान लेता है। ऐसे मेरी पहले आदत थी, मतलब जहाँ कोई पैसा रखता था मेरी आंखें इसी पर लगी रहती थी। घर में खाना पीना नहीं खाती थी। अच्छा, मतलब जहाँ मेरे पापा लाके एक बार 50 लाख रुपए रखे थे और मेरी नजर पड़ गई थी, मैंने उसमें से ऑनली 1 लाख रुपए निकाल ली थी। 1 लाख रुपए निकाल के सीधा मैं जाके ड्रग्स लेके आई थी वहां से।
अब ये भी मुझे नॉलेज नहीं था कि ड्रेस कैसा लेना चाहिए, और अच्छा सुई लेती थी, एक पानी का ढक्कन आता ना पानी की बोतल की, वो लेती थी, उस पे बहुत सारा ड्रेस डालती थी, उसके कट करके फिर वो जो नस था नस के ऊपर लेती थी, देती थी, बस वही नशे में रहती थी। सबसे ज्यादा ड्रग्स और दारू और नशा व्यभिचार मैंने बहुत किया था। अच्छा, और एक बार मेरे दिल की बात बता रही हूँ, हे यहोवा परमेश्वर, ना जाने मेरे से कितना अनजाने में इतनी बड़ी गलती हो गई, चाहे तो प्रभु तुम मेरे पापों को आज भी क्षमा कर देना। जब मैंने सेक्स किया था उसने मुझे दो तीन बार नीम की गोली भी दिखलाई थी, सेक्स भी बहुत किया था, एक दो बार प्रेग्नेंट भी हुई थी मैं। अच्छा अच्छा तीन मतलब एक बार जब पहली बार जब प्रेग्नेंट हुई थी 3 महीने का था वो। अच्छा तो वो मेरी मदद नहीं कर रहा था, वो कहता था तू जा, मुझे तब भी मेरी अकल बुद्धि नहीं खुलती थी कि क्या बोल रहा है, वो मेरी मदद नहीं कर रहा, वो कहता तू जा तू खुद कुछ कर, तभी मैं बोलती थी चलो कोई नहीं, नहीं करा मैं खुद करती। 3 महीने का हो गया था, अपने अच्छा। भाई के रूम से जाके पैसा चोरी करके देसा जाके लेके गई थी दवाखाना में ऑपरेशन कराने, ये 2 बार हुआ था ऑपरेशन के लिए, और डॉक्टर बोलता है इसकी उम्र क्या है, इसको भी कुछ हो जाएगा, लेकिन प्रभु ने मेरी कहीं से कहीं बहुत मदद की है इसमें। पर ये प्रभु भी जानता है कि अभी ये इसकी बुद्धि है नहीं, ये बहुत छोटी है, अभी नादानी, अभी कुछ जानती नहीं थी मुझे। जब ये इसने दूसरी बार जब मेरी मदद नहीं की थी, अच्छा जब ये तीसरी बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, तीसरी बार की बात बता रही हूँ, तीसरी बार 3 महीने का था, इतना डर गई थी, मैंने बोला है यह हुआ परमेश्वर, तब मैं बहुत प्रभु से रो रो के बहुत प्रार्थना की थी कि प्रभु नहीं मसीह में भी नहीं, मतलब प्रभु सब ने किसी ने मेरे को 2-3 बार पहले प्रभु के बारे में पहले बताया था। अच्छा मैं बोलती मैं क्यों प्रभु का कहना मानू, प्रभु कौन प्रभु, मैं किस प्रभु की बात करूं, मैं तो नहीं करती थी, लेकिन हर कोई बोलता था तू चर्च में जा तू चर्च में जा, लेकिन मैं किसी की नहीं सुनती थी। मुझे एक जन किसी ने मुझे पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब किसी ने पहले बताया था, अच्छा मेरे पास ईटा ही था, मेरा सोचा ला इसके मुंह पे ऐसा ईटा मारू प्रभु वालों को, ये कौन प्रभु की बात करती, अपनी मूर्ति पूजा की नहीं बात करती, यीशु मसीह के बारे में बता रही, यीशु मसीह की मैं क्यों कहना मानू, वो कौन है मेरे लिए। जब मैंने यीशु मसीह को जब जान ली थी कि यही परमेश्वर जीवित परमेश्वर का पुत्र है, मैं भी तभी नाम की मसीह थी, मैं कोई अभी भी नहीं थी, अभी अभी हुई है प्रभु में, पहले पूरी नाम की मसीह थी, मैं कहती थी देख मैं तो पाप नहीं करती, मैं बहुत पाप करती थी, मैं दूसरों को जाके इधर से चुगली जाके उधर करती थी, उधर की चुगली उधर करती थी, जा जाके सबके घर में लड़ाई झगड़ा कराती थी। अच्छा और मेरे मेरे खुद के भाइयों भाइयों में लड़ाई कराती थी, और ये जो मेरा जो छोटा वाला भाई है, अच्छा और जा रहा था मेरे वजह से फांसी लेने के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो फांसी ले ले कुछ भी कर ले, वो मैं तो बोलती थी जा मारो तुम, मुझे नहीं पता कि मैं मेरे दिमाग से खो गई थी कि किसी ने कुछ कर दिया था। जब किसी ने जब मुझे बोला था चलो प्रभु में, जब मैं फर्स्ट टाइम जब यीशु मसीह को मानने लग गई थी, अब ये आ रही है प्रभु को मानने की मेरी बातें, बहुत लंबी बात हो जाएगी गवाही, एकदम ध्यान से सब लोग सुनना, जो भी मेरी बातें सुन रहा है बहुत ध्यान से सुनना, गवाही अपने दीजिए, बहुत लोगों का जीवन बदल जाएगा। क्योंकि देखिए पहले मतलब मैं जब 3 बार जब प्रेग्नेंट हुई थी, जब 2 बार मैंने ऑपरेशन कराई थी, तब मैं प्रभु में नहीं थी, लेकिन हाँ मैंने प्रभु के बारे में सुनी थी कि यीशु भी परमेश्वर का पुत्र है, ये जो मेरी एक मामी की लड़की वो जानती थी कि ये मानेगी यीशु मसीह को, उसने कहा था तो पूरे जगह जगह ठोकर खाएगी और एक दिन तो प्रभु में बहुत पक्की तरीके से मानेगी, हालेलुया। अब वो भी नहीं, और मतलब इतना कोई मुझे बताता भी नहीं था कि तू यीशु मसीह को जान ले, कि प्रभु को जान ले अच्छी तरीके से, मुझे कोई मैं तो बोलती थी कि बाइबल कैसा पढ़ना चाहिए, उपास रोजे कैसा रखना चाहिए, किसी ने ये बात मुझे कभी पल को पल नहीं बताया था। सुनना अभी मेरी पूरी बातें, जब मैं प्रभु में नहीं थी, जब मैं इसको छोड़ने की बात आ गई थी इस लड़के को, अच्छा कम से कम इसको मैंने 20 या 25-30 लाख रुपए इसको मैंने दिया था, ये जब ये कबाट है ना कबाट आती ना, उसकी चाबी में ले लेके रखती थी, जाती थी चाबी बनवा लेती थी मैं, डुप्लीकेट उसकी डुप्लीकेट बनवाती थी। अच्छा चलो मेरी मम्मी चली जाती थी, भाई चले जाते, तो कबाट खोल के फिर पैसे निकाल लेती थी,
इतने पैसे उसने मेरे से चोरी कराया। जब मैंने यीशु मसीह को जाना, मतलब एक बार तो मैं जब से मैंने प्रभु को जान ली थी तब से इसने मुझे बहुत टॉर्चर करना चालू किया। इतना टॉर्चर करता था कि चार पांच महीना खाना नहीं खाने देता था, इतना जिंदगी में कहता था तो किसके पास जाती, किसके साथ सोती, कितनों के साथ में इसने मुझे सुला भी दिया था। कई बार 3-4 बार नीम की गोली भी खिला के 10-15 जनों के साथ सुलाया इसने। अच्छा। और ऐसे थे कि मतलब पूरी रात रात घूमती थी इसके साथ, पूरी रात नाइट पार्टी जो चाहे वो करती थी। मैं एक तो होश में नहीं रहती थी, इतना नशा करती थी, कि आंखें लाल हो जाती थी। मेरे घर में किसी को पता नहीं चलता था क्या करती है, कहाँ इतने पैसे लेके जाती, किसको देती है। जब प्रभु ने जब इसे मेरा छुड़ाना चाहा था, प्रभु के आत्मा ने पहले कहा था कि ये तुझे 2 या 3 साल तो बहुत टॉर्चर कर गया, कम से कम से मुझे 4 साल टॉर्चर तो किया ही किया है, 4 साल ऑलमोस्ट 4 साल। अच्छा। पूरा महीना पकड़ के समझो 7 साल, मतलब 4 साल इसने मुझे बहुत बराबर से टॉर्चर किया था। टॉर्चर मतलब क्या, बाथरूम जाओ तो फोन करे, सो तो फोन करे, घर पे 2 बजे रात में सोने नहीं देता था, 4-5 महीना खाना नहीं खाने दिया था इसने। इतना जिंदगी, इतनी लाइफ खराब थी कि लाइफ अभी कैसे कैसे, 1-2 बार में फांसी खुद लेने जा रही थी मरने के लिए। अच्छा। गांव में थी तभी मैं मरने वाली थी, तभी मैं टेरेस से कूदने वाली थी, पता नहीं कैसे किसने कहा मत मर, तू किसके लिए जी रही, प्रभु के लिए जी रही है। तभी मैं पहले प्रभु को थोड़ा बहुत जानती थी, थोड़ा सा, 100 में से 1% सिर्फ जानती थी, उससे ज्यादा नहीं। किसने बताया था ये? हमारी पहले एक मामी की लड़की ने बताई, फिर एक मेरी मम्मी ने बोली थी, मेरी मम्मी ने खुद की। अच्छा। और भी कहती थी तू यीशु मसीह में जा, मैं बोलती थी मैं नहीं जाऊंगी, कौन है यीशु, क्यों है ये, कौन है, मैं इसका क्यों क्या नाम मानूं, मैं ऐसा बोलती थी। मुझे बहुत चीड़ पैदा होता था प्रभु के नाम से, जो कोई प्रभु के बारे में बोलता था मन तो कहता था इतना मारो उसको, मार के उसको ना गाड़ दो जमीन में। अच्छा। जब पहले कहीं मर्डर होता था, मर्डर शायद कोई सब लोग जानते भी होंगे, सूर्य मराठी, ये मर्डर, इस मर्डर में सब लोग का हाथ था, ये बात मुझे भी पता चलती थी, इधर मर्डर होने वाला उधर होने वाला, इसमें मैं भी शामिल थी। अच्छा। लेकिन ये नहीं पता था किसने मारा है किसने, ये जो मिलन है, मिलन को सब बात पता चलता था। और दूसरे दिन वही होता था, ये जो बताता था वही उसी का मर्डर होता था। ये लड़का मतलब सोचा कि मेरी तो हकीकत बात जानती, मैं क्या करता हूँ, मर्डर करता हूँ, वो मर्डर भी करता है, चोरी खुद भी करता है, खुद इतना मर्डर के इतने पैसे लेता है वो। अच्छा। एक मर्डर का 1 करोड़ रुपया लेता है, फिर भी उसके पैसे पेट में हजम नहीं हो रहा है। ये लड़की ये कहाँ से ला के देगी, मुझे भी इतना पहले बुद्धि नहीं था कि मैं पैसे कैसे दे रही हूँ कैसे नहीं। मैं खुद के कपड़े नहीं खरीदती थी, उसको दिलाती थी अच्छे अच्छे लो, तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। बस वो कहता था इतना ही प्यार करेगी, इतना ही सेक्स करेगी, इतना ही, बस पेट भर गया। जब ये तांत्रिक के पास जाता था, अच्छा, एक दारू की बोतल, मुर्गी, ये पैसे लेके उसको जाके देता था। और ये नहीं पता था किसी ने कुछ किया है मेरे से। मैं सोचती हूँ कि मैं इसका इतना कहना क्यों मानती। जब मैं प्रभु में आई तब मुझे थोड़ी थोड़ी बात की समझ लगने लग गई थी, थोड़ी थोड़ी, मतलब चोरी नहीं करना, ये पहली बात मुझे समझ में आई थी। प्रभु की आत्मा ने मुझे पहले 6 बार बताया था इसे पैसे ना दे, इसको तू अजिमा, इसे पैसा मत दे, इसको तू अजिमा, अजिमा के दे। ये जो हमारे जो बुआ के लड़के लोग लगते हैं ना, अच्छा, उनको क्या बोलता था, ये मेरे साथ सोइए, ऑफन हाउस सोइए, ऐसी वैसी कर रही है, तू उसे क्या शादी कर रहा है, ये तो मेरे साथ होती है, तो रंडी है, ऐसी है वैसे, बहुत कुछ बोलता था, ये धंधा करने वाली लड़की है, इसके साथ जो सोएगा उसका जीवन बेकार हो जाएगा। इतना मतलब, जहाँ पब्लिक सिटी होती है ना, जहाँ पे हर जगह पब्लिक सिटी खड़ी रहती है, एक बार वहाँ पे उसने बुलाया था मुझे मिलने के लिए। अच्छा। मैं गई थी उसको मिलने के लिए वहाँ पे, उसने 2-4 तमाचे इतना खींचे मुझे वहाँ पे मारा था। हमारा तो बहुत, जब प्रभु मेरे जीवन में थे तब भी मैं चिल्ला के कहती थी मेरा यह हुआ तेरे को क्षमा करे, मुझे ये नहीं पता था क्षमा मतलब क्या होता है। अच्छा। मैं बोलती थी प्रभु तुझे क्षमा करे, पब्लिक के सामने बोलता ये रंडी है, ये लुक्की है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये लड़की कॉल गर्ल है, इसके साथ कोई शादी नहीं करेगा, मेरा वीडियो बना लिया था इसने भी। अच्छा अच्छा।
कहते थे सबके सामने कहता था ये मेरे साथ ओपन हाउस हुई है, ऐसा की है वैसा की है, ये मेरे घर, मतलब ये नहीं उल्टा बोला कि मैंने इसका पैसा, उल्टा ये बोलता था कि ये मेरे घर की मैं आके चोरी करती है। बहुत गलत गलत आरोप लगाया था उसने मेरे पे भी। फिर भी मैंने बोला कोई नहीं हुआ, तुम मेरे साथ ही प्रभु, मैं अकेले नहीं हूँ, तुम मेरे साथ है। मैं ये मन में डालती थी ये बात, ये मुझे वचन में नहीं पता था कि यहोवा कभी तुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा। मतलब वो कहता था, मतलब एक दो बार मेरे घर की तरफ आया था एक बार। इसके वजह से मुझे 9 महीने गांव जाने पड़े थे। गांव में भी थी तो गांव में भी सबको फोन कर करके खूब टॉर्चर करता था। इसने क्या चाहा, ये मुझे, ये मेरे एक वीडियो बना लिया था इसने, तो ये बार बार वही वीडियो से मुझे धमकी देता था, तो मुझे पैसे नहीं देगी मैं तुझे मार दूंगा। अच्छा, मैंने बोला जा जो करना है कर, प्रभु की आत्मा ने बोला उसको बोल जा जो करना है कर। आजू बाजू जो विश्वासशील नहीं है ना, वो हमारे एक मामा मामा की सब लड़की है, वो कहती है देख तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, ठीक है। वो लोग का विश्वास इतना था, मेरा विश्वास बहुत कम था। अच्छा, वो लोग कहते थे देख ऐसा मोबाइल टूट जाएगा, जो तेरा वीडियो रखा है ना इसने 10-15 पता नहीं कैसे कैसे इसने क्या करके बनाया था ये मुझे नहीं पता था। पहले इसने कुछ मेरे वीडियो बना ली थी इसने 10-15 ओपन हाउस की, तो ये सब धमकियां ये मुझे देता, तो तू पैसे नहीं देगी तुझे मार देगा। मैं मतलब बहुत डर गई थी। मैंने बोला प्रभु तू सच्ची, अगर तू सच में अगर परमेश्वर का पुत्र है तो तू मेरा जीवन मुझे देगा, तू अगर तूने मेरा जीवन अगर दिया है तो तू मुझे चलाएगा, तेरी आराधना महिमा करूंगी, मैं जीवन भर गरीबों की सेवा करूंगी। परमेश्वर को कब से यीशु मसीह को ग्रहण किया था? मुझे ग्रहण करते करते 3 साल हो गए। 3 साल? हाँ, केवल सिर्फ 3 साल। पहले 2 साल नाम की मसीह थी, अभी अच्छी तरीके से 7-8 महीने हो गए प्रभु में आए हुए अच्छी तरीके से अभी। पहले मतलब बाइबल नहीं पढ़ना, उपास नहीं रखना, गाली गाली तो गाली देती थी, ऊपर से बहुत गंदी गंदी गाली में देती थी। एक तो मैं सुन भी नहीं पाती थी सही से, मुझे सब कहते थे बहरी है बहरी है। आज मेरा कान अच्छे से सुनता, हाले लिया, क्योंकि आज यीशु मसीह ने मेरा कान अच्छी तरीके से चंगा किया। जो नहीं सुनती वो भी आज सुनती हूँ मैं प्रभु की दया से। अच्छा, अच्छी होगी तो बोला, ना होगी तो बोला, तभी मैं यीशु मसीह को थामे रहूंगी, अंत तक थामे रहूंगी इसको। मतलब वो आज जो लड़का आता है देखने के लिए, कई बार मर गई तो मर तो नहीं गई है, मतलब वो कुछ ना कुछ करता है, लेकिन यहोवा का हाथ मेरे ऊपर हमेशा पड़ा है प्रभु का। यीशु मसीह ने कहा है मेरा हाथ ऐसे छोटा नहीं हो गया तुम लोग को कुछ देने के लिए। सही बात है, क्योंकि आज भी प्रभु मेरे साथ है, मेरे साथ है यहोवा, मेरे साथ हमेशा वो खड़ा रहेगा। और जब उसकी बातें मैं जान गई थी ना, एक से सच्चाई बातें देखना, हर कोई लड़की मरने में मत मजबूर होना, बस प्रभु पे एक बार हौसला रख के जीना, परमेश्वर तुम्हारी हर एक सहायता मदद करेगा। बदनामी तो बहुत होगी, बदनामी सह लेना कोई नहीं, प्रभु के लिए सब कुछ सहने को तैयार हूँ मैं आज। इतना गंदे गंदे धमकियां देता था खा, मतलब मेरी भाभी है ना, मेरी भाभी उसको क्या बोलता है, तेरी भाभी की जैसी तू है। मैंने बोला मेरी भाभी क्या है, कहता तेरी भाभी तेरे को सब बिगाड़ी। मैंने बोला बिगाड़ी नहीं, तू पैसा खाने वाला है, प्यार करना नहीं, पैसे चाहिए तुझे। एक तो वो मर्डर भी करता है, उसको इतने पैसे भी मिलते, ऊपर से उसको काम करता था। अच्छा अच्छा, पता नहीं प्रभु ने कहाँ से कहाँ मुझे आज उठा के रख गया। आज मेरे घर वाले को बहुत दिल में क्षमता होती है, चलो कोई है परमेश्वर का पुत्र जो इसको आज सुधार दिया। मतलब पहले मैं पता है क्या वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले, उन्हें स्वीकार कर दे, छोड़ भी दे, तो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास होकर धर्मी होगा। मतलब ये लड़का ऐसा था कि इसने क्या बोला, तू यीशु मसीह के साथ व्यभिचार कर चुके। मैंने बोला क्या, यीशु मसीह के साथ? मैंने बोला व्यभिचार कैसे कर लोगे? मतलब कहता था प्रभु ने मेरी जगह ले ली। मैंने बोला तेरा दिमाग लगता खराब हो गया, मतलब ये पूरा दुष्ट का बंदा था, ये भी ये जादू टोना करता था, ये बात मुझे नहीं पता था। अच्छा, ये लेके जाता था तांत्रिक के पास, लेके जाता था बस, वो फोका फोका करवा, क्या कहते हो कुछ कहते थे ना, प्रसाद में मिला के खिलाते हैं वो। हाँ हाँ, इसने मुझे वही खिलाया था। अच्छा, ये कहता था ना चल नाच, तो मैं इसके बोलने पे एक इशारे पे सिर्फ नाचती थी। ये बोलता था छोटा कपड़ा पहन, छोटे कपड़े पहन के जाती थी। जैसे रात को 12 बज जाता था, अच्छा,
बस फोन आया, घूमने के लिए निकल जाती थी। मतलब मुझे कोई डर नहीं था कि मेरे परिवार को पता चल गया बस क्या कहेंगे, मारेंगे कि जिंदा रखेंगे कि अच्छे से रहोगे, किसी का डर नहीं था मेरे अंदर। अब तो सबसे ज्यादा तो परमेश्वर का डर लगता, सबसे ज्यादा भाई यीशु मसीह का लगता, और किसी का नहीं लगता भी। मतलब एक बार वो लड़का बीच सड़क में पहले मिला भी था, अच्छा अभी अभी की बात है, 2-3 महीने के बाद, बहुत बोलता है 1 लाख रुपया मुझे लगेगा। मैंने बोला एक चप्पल उतार के भी तेरे मुंह पे ऐसा हिच के मारूंगी ना, जहाँ है ना वहीं चला जाना। मैंने बोला अभी बीच सड़क पे तेरी बेइज्जती नहीं कर सकती, क्योंकि मैं प्रभु की इज्जत करती हूँ, तो मतलब सबकी इज्जत करती हूँ। यहोवा ने क्या क्या है, मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ूंगी, परमेश्वर मेरे से लड़ा, वो लड़ेगा, प्रभु इससे लड़ेगा। परमेश्वर लड़ने वाला यहोवा परमेश्वर है। हाँ, मैंने उसको बोला 1 लाख रुपया का मजाक है, अब मुझे पता चला पैसे किसको बोलते हैं, नॉलेज किसको कहा जाता है। अभी परमेश्वर ने ऐसा बुद्धि दे दिया कि बुद्धिमानों को लज्जित कर देती। हाँ, पहले मतलब मेरा कान ऐसा था, बहुत बहता भी था, बहुत बात भी मारता था, अच्छा नहीं होता था। एक तरफ से कहो तो मतलब पूरी तरीके से बहरी रहती थी मैं। मतलब जैसे सुन नहीं पाती थी, थोड़ा भी नहीं, कम सुनती थी मैं। मेरे भाई लोग बोलते थे चोर, ये चोर जैसी दिखती। आज भी मतलब आज सब बोलते ये रौनक दिखती, अपने मुंह से लोग खुद बोलते हैं। नहीं, आज भी मेरा भाई बोलता है इसको बदला है तो प्रभु ने बदला है, हालेलुया। मेरे भाई लोग मतलब उसके दोस्त से बताते हैं कि इसको प्रभु जी ने बदला। जैसे अभी मतलब मैं बदली है, ऐसे मेरा घराना बदलेगा, 1 साल के अंदर बदलेगा, इससे बड़ी भी गवाही निकलेगी। जो मैंने पाप किया है, मैंने अपने पापों से भी तौबा की हूँ, मैं आगे से पाप अब नहीं करती। हाँ, कई बार मेरी आंखों से गलती होती है, कई बार मेरे मुंह से थोड़ी बहुत गलत बातें भी निकलती हैं। देखिए, अनजान में पाप हो जाता है उसकी गलती अलग है, अगर हम यदि हम जान बुझ के पाप करें तो उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है, बस कोई भी बलिदान रास्ता है और वह नरक की आग है जो विरोधियों को भस्म कर देगी। अगर देखे भी वो लड़का ने मतलब बहुत उछेर कर दिया था, मरने में उसने बहुत मजबूर किया था। एक बार मैं फांसी लेने के लिए जा रही थी, वो कौन आई थी, सादा हमारे मामा की लड़की थी, वो रोक ली थी उसने मुझे। कैसे भी फांसी वासी लेके गांव में मर जाएगी, कभी कितनी बदनामी हो जाएगी। मैंने बोला तो क्या करूँ, कैसे जीऊंगी। लेकिन उसका विश्वास सबसे ज्यादा था, कहते जो तेरा परमेश्वर वो हमारा भी परमेश्वर हो, तुझे बचाएगा, तू विश्वास रख। बाप रे, ऐसा लगा था ना कि टेस्ट सूझ जाओगी, अभी की अभी सूझ जाओगी। रात को मतलब गांव में जब सोती थी 10 बजे भी सो जाती थी, अगर मैं अपने माँ बाप से भी बात करती थी तो कहता था इसकी स्किन चढ़ गई मार के, इससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है। बस उसके पास जो वो था सब वीडियो वीडियो, वो सबसे बहुत धमकी देता था, बहुत ज्यादा। मैं तो वो धमकी से बहुत कंटाल गई थी। मैंने कहा चलो मैं मर जाऊंगी तो मरने के बाद, ये नहीं पता था कि मर जाऊंगी तो नरक में चली जाऊंगी। प्रभु का धन्यवाद करती थी अभी तक मैं मरी नहीं, अभी तक उसकी दया से जीवित हूँ। जो मैं जाती थी ना मंदिर पे, घंटा बजाते थे टन 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 करके। अच्छा। मैंने सोचा ये लोग मुझे बचा लेंगे, पर मैंने सोचा तो मूर्ति पूजा किसी काम की नहीं, मूर्ति पूजा कोई जो करे उसका तो भला नहीं होगा कभी भी। जो मूर्ति पूजा करेगा उसका कभी नहीं भला होगा, नहीं कभी भला नहीं होगा। एक बार मैं मंदिर पे गई थी, घंटा बजा रही थी, 4 किलो में लड्डू लेके गई थी। मैंने कहा अगर तू इससे मेरा पीछा छुड़ा देगी तो मैं तेरी आराधना करूंगी। अच्छा। जब मैंने यीशु मसीह को कहा परमेश्वर सच में, मतलब ये मैंने जानती थी कि ये है कौन ये यीशु, मैंने पहली बार यीशु नाम सुनी, पहली बार यीशु नाम पहली बार सुनी थी। मतलब मैं कभी यीशु नाम सुनी नहीं थी, ये नाम मैंने कभी जाना ना था, कभी मैंने सुनी नहीं थी। हाँ, जब मैंने यीशु पहली बार जब नाम सुनी थी, तब जो मेरे अंदर ऐसा गुस्सा आया था कि मन करा ऐसे लोगों को इतना मारू, यीशु यीशु करते, कौन है यीशु, कौन है ये यीशु नासरी, नहीं जानती थी मैं। अच्छा। लेकिन आज जब कोई बोलता है यीशु मसीह, तब बहुत अच्छा लगता है। पहले मतलब मैं इतनी पापी थी, मतलब मैंने खुद मैंने इतना पाप किया है, मतलब व्यभिचार तो कम से कम 10,000 या 20,000 बार तो मैंने व्यभिचार किया अपने लाइफ में।
और जो मेरे पर बीता है साता परमेश्वर मेरे हर पापों को क्षमा करे। आज जो लड़की मरना चाह रही हो ना बस, और ना मरे मैं तो कहती हूँ उसको, बस इतना विश्वास करना कि यहोवा तेरे साथ है, यहोवा कभी किसी को अनाथ नहीं छोड़ेगा।